नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, बात करेंगे रिजल्ट वाले स्टॉक्स की। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट वाले स्टॉक्स देख लेते हैं किनका रिजल्ट आया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिंदाल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज की। यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिया है लगभग 45 करोड़ रुपए का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है अगर हम 550 करोड़ के लॉस से कंपेयर करें। यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने दिया है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। रेवेन्यू भी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है, 115 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आया है 90 करोड़ से। तो क्योंकि रेवेन्यू तगड़े से बढ़ा है, इसका फ़ायदा डायरेक्ट कंपनी को प्रॉफिट के रूप में हुआ है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिया है 300 करोड़ रुपये का, मुकाबले किसके, लगभग 60 करोड़ के। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट ज़बरदस्त है, बढ़िया है। रेवेन्यू भी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है, 1250 करोड़ का रेवेन्यू 750 करोड़ के मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। इंडिया ग्लाइकोल्स, यहाँ पर भी कंपनी ने बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दिया है, 71 करोड़ रुपये का। अगर आप देखोगे 17-18 करोड़ से, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो जो तीनों कंपनियाँ हैं, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है उनकी रिजल्ट के रूप में। तो इन सब पर फोकस रखिएगा कल। और उसके बाद अब बात करेंगे 300 उन कंपनियों के जिनके रिजल्ट आ रहे हैं। मैं 300 कंपनियों का आपके नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि अब एंड आ चुकी है, डेडलाइन आ चुकी है। तो अब सब कंपनियां जो पिचक्कड़ कंपनियां होती हैं, वो सब आ करके रिजल्ट पेश करेंगी। तो थोड़ा सा नज़र बना कर रखिएगा। कुछ बढ़िया बढ़िया नाम है, नालको का कल रिजल्ट है, आरवी डेनमीज, उसके बाद ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, बायोटोनिक्स इंडिया, एरोज इंटरनेशनल मीडिया, फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड, इस स्टॉक को सर्च कर लीजिएगा, एफ एल। उसके बाद फेडरल मोगुल, गोइड, गैमन इंडिया, GIC हाउसिंग फाइनेंस, IFCI, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग, KPI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, NLC इंडिया, प्रीमियर एक्सप्लोजिव, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सूर्या इंडिया, त्रिवेणी टर्बाइन, V2 रिटेल, वाइस रॉय होटल्स, VVMed लैब्स, वेल्सपन कॉरपोरेशन और जी मीडिया। इन सब पे नज़र बनाकर रखिएगा। ये बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियों की लिस्ट आप BSE इंडिया से जाकर चेक कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स की लिस्ट आपको बता देता हूं जिन पे आप फोकस रखिएगा। 15 मिनट की कैंडल यूज कीजिए यहां पर ट्रेड करने के लिए। और कौन सी वीडियो यूज करनी है, पिवट पॉइंट वाली वीडियो जाकर देखिए और वहां से हेल्प ले लीजिए इनमें ट्रेड कैसे करना है। बहुत बेहतरीन लेवल है 1750 का टाइटन के लिए, तो इस पर नज़र बनाकर रखिएगा। एक हमको यहां पर जंप देखने को मिल सकता है अगर बाजार पॉजिटिव हुई, बढ़िया मोमेंटम आएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ब्रेकआउट यहां पर हो रहा है, स्विंग ब्रेकआउट हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट में है। अगर आपने वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक वाली वीडियो देखी होगी, काफ़ी बेहतरीन चीज़ आप यहाँ से डिकोड कर पाओगे। गिरावट भी आई थी, उसके बाद मोमेंटम तगड़ा हो सकता है, मेटल सेक्टर चमक भी सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, एक LIC हाउसिंग फाइनेंस हमने आपको इंट्राडे के लिए दिया है। इन तीनों ही स्टॉक्स में आप 15 मिनट की कैंडल लगाकर ट्रेड कीजिएगा। जिनके पास इंट्राडे सेटअप है, वो भी यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो नज़र बनाकर इस पर रखिएगा। वॉल्यूम उतने तरीके से नहीं बढ़ा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, लेकिन अगले दिन बढ़ सकता है। तो यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम 285 तक मिल सकता है, जिसको आप अगर पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो। ये थे न्यूज़ वाले स्टॉक। अब मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।